कि सुधीर सप्रा जी जो वसंत विहार में रहते हैं उनके पीछे कोई निर्माण कार्य चल रहा है जिसके संबंध में उन्होंने कुछ मना किया होगा, तो उनके नंबर पे किसी अज्ञात कॉलर द्वारा कॉल आया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उस संबंध में थाना झांसी रोड में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसमें साइबर सेल की मदद ली जा रही है और जो भी आरोपी है उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की धमकी दी गई है, गोली मारने की जा रहा है, गाली गलौज की गई है और जान से मारने की धमकी दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई। क्या करते हैं सुधीर सप्रा जी? समाज सेवक हैं। आरोपी कौन है और क्या करता है? आरोपी का अभी नंबर है हमारे पास, उसमें मदद ली जा रही है साइबर सेल की, जल्दी उसको हम गिरफ्त में लेंगे। क्या पूरा मामला है? मैं सुधीर सप्रा वसंत विहार का निवासी हूँ। मेरे घर के पीछे एक प्लॉट है जिसके ऊपर कल से निर्माण कार्य शुरू हुआ है। जब सुबह मैंने देखा कि उस प्लॉट में बहुत गहरे गड्ढे खोदे जा रहे हैं और मुझे आशंका हुई कि इन गहरे गड्ढों से बरसात के इस मौसम में मेरी बाउंड्री को नुकसान पहुंच सकता है, तो मैंने उसकी फ़ोटो खींच के जो है निगम आयुक्त संदीप माकन जी को भेजी इस अनुरोध के साथ कि नगर निगम अधिकारी जो भी सक्षम अधिकारी हैं उसको ये निर्देश देने का कष्ट करें कि भाई इस प्रकार का कोई निर्माण ना हो जिससे दूसरे की बाउंड्री को नुकसान हो। मेरी जानकारी के हिसाब से नगर निगम अधिकारियों ने शायद वहाँ मौका देखा और उस प्लॉट की कोई विधिवत परमिशन नहीं थी तो उन्होंने शायद काम को बंद करा। कुछ समय बाद मेरे फ़ोन पर एक नंबर आया और उस व्यक्ति ने अपना परिचय पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के भतीजे संजू गुर्जर के रूप में दिया। एक आधा मिनट की बात के बाद कि क्या कारण है, वो अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा, धमकाने वाली भाषा का प्रयोग करने लगा और मेरे जान माल को नुकसान पहुंचाने की उसने बात कही। प्लॉट किसका? वो प्लॉट मेरी जानकारी के हिसाब से एक मनजीत सिंह है, वसंत विहार में ही मेन रोड के ऊपर रहते हैं, उनका है। उसके 5 मिनट के बाद ही उस व्यक्ति का फ़ोन आया जिसका ट्रू कॉलर पर वो नंबर मनजीत सिंह ही दिखा रहे हैं और वही मेरी जानकारी में वास्तविक प्लॉट का मालिक भी है। उसने भी पहले एक दो बात मुझसे पूछी कि क्यों आपने ऐसा किया, तो मैंने उनको कारण बताया, वो भी फिर अभद्र भाषा पे आ गया, धमकी देने लगा और मुझे जान माल को मेरे नुकसान पहुँचा। तो मैंने जो निर्माण से नुकसान की आशंका मेरे घर को थी वो मैंने निगम आयुक्त संदीप माकन को सूचित कर दिया और ये जो इन्होंने धमकी दी है जान माल को नुकसान पहुंचाने की उसकी FIR मैंने यहाँ झांसी रोड थाने में कराई है और जिस प्रकार का उनकी भाषा थी और जो मुझे आशंका है कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। किस तरीके की धमकी दी आपने? उस भाषा का प्रयोग मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग मैंने पुलिस प्रशासन को भी सौंप दी है। अब ये निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करती है ये उनके क्षेत्र।